Force India Formula One team will rightfully occupy a place on the podium. फोर्स इंडिया फॉर्मूला वन टीम जो बाद में सहारा फोर्स इंडिया के नाम से जानी जाने लगी थी, इंडियन लाइसेंस्ड फॉर्मूला वन टीम है जिसका कंस्ट्रक्टर बेस सिल्वरस्टोन यूके में मौजूद है। इस टीम के ओनर विजय माल्या को इंडिया में एटलीस्ट सब जानते ही हैं। टैक्स की चोरी और बाद में मोस्ट वांटेड टैग होने से पहले रेसिंग पॉइंट को F1 सर्किट में भगाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। इंडियन गवर्नमेंट से भागने के बाद प्रॉपर्टीज और बिजनेस सीज होने के कारण इनको अपनी टीम बेचनी पड़ी और फोर्स इंडिया टीम बन गई रेसिंग पॉइंट फोर्स इंडिया, जो लेटर ऑन एस्टन मार्टिन कॉग्निजेंट फॉर्मूला वन टीम के नाम से जानी जाती है और जिसके ओनर हैं लॉरेंस स्ट्रॉल। एस्टन मार्टिन के ओनर भले ही नए हों पर कंस्ट्रक्टर टीम कंस्ट्रक्टर बेस रेसिंग पॉइंट से ही फॉलो थ्रू हुए हैं। FIA के अकॉर्डिंग किसी भी टीम के नेम या फिर ओनर चेंज हो जाने के कारण उसका एज अ न्यू टीम रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। सो रेसिंग पॉइंट के बिकने के बाद उसका नाम एस्टन मार्टिन हो गया और उसके ओनर लॉरेंस स्ट्रॉल बन गए। पर आज हम फोर्स इंडिया और उसके F1 करियर पे एक नज़र डालेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। फोर्स इंडिया F1 टीम स्टेब्लिश 2007 में हुई जब विजय माल्या और डच बिजनेसमैन माइकल मोल ने मिलकर स्पाइकर F1 टीम को 88 मिलियन यूरो में खरीदा था। स्टार्टिंग की 29 रेसेस विदाउट एनी पॉइंट स्कोर करने के बाद फोर्स इंडिया को अपना पहला पोडियम 2009 में बेल्जियम GP में मिला था, जहां जिनक्वाल्डो फिशेला ने सेकंड प्लेस जिताकर उन्हें यह पोजीशन दिलाई थी। कार को पावर देने के लिए VJM02 मर्सिडीज बेंज पावर्ड इंजन और मैकलरन मर्सिडीज का गियरबॉक्स यूज करा गया था। 2011 में टीम के 42.5% शेयर सहारा इंडिया परिवार ने खरीद लिए थे, जिसके बाद इसका नाम सहारा फोर्स इंडिया हो गया था। टीम ने अपने करियर में 5 पोडियम, जिसमें 2014 बहरीन ग्रैंड प्री, 2015 रशियन ग्रैंड प्री, 2016 मोनाको ग्रैंड प्री, 2016 यूरोपियन ग्रैंड प्री और 2018 अजरबैजान ग्रैंड प्री सभी में थर्ड पोजीशन जीतकर हासिल किए हैं और ये सभी पोडियम नन अदर देन सर्जियो पेरेज ने जीत कर दिलाए हैं। क्वालिफाइंग पॉइंट्स के लिए टीम बहुत बार लड़ती दिखाई दी पर कभी सिग्निफिकेंट फीट नहीं हासिल कर पाई। स्ट्रॉन्ग ड्राइवर और कार की बैकिंग ना मिलने की वजह से कंस्ट्रक्टर रैंकिंग में ये लगातार बॉटम फोर में रही है। बट टीम का बेस्ट सीजन 2016 में और 2017 में देखने को मिला, जहां दोनों सीजन में फोर्स इंडिया ने फोर्थ पोजीशन पे फिनिश किया। 2016 में टीम के ड्राइवर हुल्केनबर्ग और सर्जियो पेरेज बने। ये सीजन अब तक का बेस्ट सीजन देखने को मिला, जिसमें फोर्स इंडिया ने 173 पॉइंट हासिल किए और कंस्ट्रक्टर फोर्थ पे फिनिश किया। पेरेज ने पहला पोडियम सीजन का मोनाको में थर्ड आकर अचीव किया और दूसरा पोडियम बाकू में ही थर्ड आकर उन्होंने टीम को इम्पोर्टेंट पॉइंट दिलवाए। 2017 में हुल्केनबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और उन्होंने रेनॉ ज्वाइन कर लिया और उनकी जगह ली एस्टेबन ओकॉन ने। VJM10 मर्सिडीज पावर्ड इंजन के साथ फेमस पिंक लिवरी को F1 ट्रैक में 2017 सीजन के लिए उतारा, जिसके लीड ड्राइवर बने सर्जियो चेको पेरेज और उनका साथ दिया एस्टेबन ओकॉन ने। ये सीजन पॉइंट्स टैली के हिसाब से बेस्ट सीजन था, जहां पे उन्होंने 187 पॉइंट्स गैदर किए और कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में फोर्थ पोजीशन हासिल की। बट पोडियम फिनिश चेको पेरेज और एस्टेबन ओकॉन हासिल नहीं कर पाए। 2018 में हंगेरियन GP के बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन के बदले जाने के बाद टीम के ड्राइवर्स पेरेज और ओकॉन ही बने रहे और नए नेम रेसिंग पॉइंट फोर्स इंडिया से बाकी सीजन कंप्लीट करना पड़ा। बट पुराने फोर्स इंडिया के अंडर जीते हुए पॉइंट्स FIA ने कैंसिल कर दिए। इसके बाद अगले सीजन से टीम BWT रेसिंग पॉइंट F1 टीम के नाम से कम्पीट करी, जो कि 2021 में फिर एक बार एस्टन मार्टिन कॉग्निजेंट F1 टीम बन गई। तो ये कहानी थी हमारी फॉर्मूला वन टीम की। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।